दोस्तों आप लोग इस टाइम में एक खबर बहुत ही तेजी के साथ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक बच्चन से अलग रहने लगी हैं और वो अब अपने परिवार जलसा में नहीं रहती हैं, बल्कि वो अपने मायके अपनी माँ और बेटी के साथ रह रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे प्रूफ आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं और बहुत सारे यूजर ने उनसे लगातार कमेंट करके उस पोस्ट पे पूछा भी है, लेकिन उस पे ना तो ऐश्वर्या राय बच्चन का कोई रिएक्शन आया है और ना ही उनके पति अभिषेक बच्चन जी का। दोस्तों आपको बता दी कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी बेटी आराध्या बच्चन और अपनी माँ का फोटो हमेशा शेयर करती रहती है, लेकिन वो इस समय अभिषेक बच्चन के साथ एक भी पोस्ट शेयर नहीं करती हुई नजर आ रही हैं और इस पे बहुत ही बड़ा सस्पेंस भी उड़ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ी अपडेट बताने वाले हैं इन लोगों से रिलेटेड, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे इस समय ना अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के अलग होने की खबरें ही चारों तरफ हमें सुनाई दे रही हैं। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, मैं आपको पोस्ट लगाकर उसमें कमेंट दिखाकर और हर एक चीजें दिखाकर सही चीजें बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे प्रूफ हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं ये खबर सही दिशा में जा रहा है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हर एक प्रूफ को लगाकर वीडियो में आगे दिखाते हैं। दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के अलग होने की खबर उनके इंस्टाग्राम पोस्ट से ही उठाई जा रही है। इन्होंने अपने पिताजी के साथ एक फ़ोटो पोस्ट किया है, जिसके नीचे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि क्या आप अभिषेक बच्चन जी से अलग रहने लगी हैं, क्या तलाक होने वाला है। बहुत सारे कमेंट यहाँ पर इस पोस्ट पर आए हुए हैं और आप इनके पोस्ट पर देखेंगे तो काफ़ी कम फोटो अभिषेक बच्चन जी के साथ पोस्ट हुई है। लास्ट फोटो 20 अप्रैल को इन्होंने पोस्ट किया था, तो उसके बाद एक भी फोटो इन्होंने अपने पति के साथ पोस्ट यहां पर नहीं किया है। दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच काफ़ी समय से अनबन की खबरें आ रही हैं। हालांकि दोनों ने कभी इसे लेकर कुछ रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं कि ऐश और अभिषेक की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। वहीं अब एक्ट्रेस की एक और लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट ने इस रूमर्स को और हवा दे दी है। दरअसल हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने दिवंगत पिता कृष्णराज राय और उनकी जयंती पर याद करते हुए तस्वीरों की सीरीज पोस्ट की थी। दिलचस्प बात यह है कि एस ने अपनी बेटी आराध्या और अपने दिवंगत पिता की एक साथ तस्वीर शेयर की है। उन्होंने अपने पिता संग अपनी भी तस्वीर शेयर की और एक और फोटो में वे अपनी माँ और बेटी संग नजर आ रही हैं, जबकि बैकग्राउंड में उनके पिता की फोटो वार पर टंगी हुई है, उस पर माला भी चढ़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस बात ने सभी का ध्यान खींचा वो ये था कि एस ने अभिषेक संग कोई भी तस्वीर शेयर नहीं की है। वहीं ऐश्वर्या राय ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आपको हमेशा प्यार करती हूँ, सबसे प्यारे प्यारे डैडी अज्जा, सबसे प्यारे दयालु, देखभाल करने वाले मजबूत, उदार और नेक, आपके जैसा कोई नहीं, कभी नहीं, जन्मदिन की शुभकामनाएं, स्मरण में प्रार्थना, हमें आपकी बड़ी याद आती है। ऐश्वर्या ने जैसे ही इन तस्वीरों को पोस्ट किया वैसे ही उनके अभिषेक बच्चन संग अलगाव को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई। एक यूजर ने लिखा, डियर एस, आप कभी भी आराध्या और अभिषेक के साथ कोई फोटो क्यों नहीं लेते, आपको परिवार की तस्वीरें बहुत कम होती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप लोग अलग हो गए हैं। बता दें कि बच्चन परिवार में झगड़े की अफवाहें पेरिस फैशन वीक के बाद से चर्चा में है, जब ऐश्वर्या और नव्या नवेली नंदा एक साथ नजर नहीं आई थी। एस ने हाल ही में अमिताभ बच्चन के लिए अपने जन्मदिन की पोस्ट में जया और श्वेता बच्चन को भी इग्नोर किया था। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना बर्थडे भी अपनी बेटी और मां के संग मनाई हुई थी और यहां पर ना अमिताभ बच्चन जी और ना इनके पति अभिषेक बच्चन जी इनके बर्थडे में शामिल नहीं हुए थे और इस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन काफी निराश भी नजर आई थी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब से इन्होंने अपने बंगले प्रतीक्षा को अपनी बेटी को गिफ्ट में दे दिया है तभी से ऐश्वर्या राय बच्चन ज़्यादा नाराज हो गई हैं, लेकिन अभी भी इस पे खुल के बच्चन परिवार की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। जो भी अपडेट आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले अभी अमिताभ बच्चन जी ने अपने प्रतीक्षा बंगले को अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा को गिफ्ट में दे दिया है, तो यही वो बंगलो है जिसको उन्होंने गिफ्ट में दिया है। तो ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच
अलगाव को लेकर जो भी खबर आई थी मैंने आपको पूरी खबर बता दी है। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।